Thank you, Mr. Javed Ali Khan. No, nothing is going on record now. Javed Ali Khan, please. Thank you. Maniya Up Sabhapati Ji, धन्यवाद आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। जो रेजोल्यूशन हमारे साथी अब्दुल वहाब साहब ने रखा है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और उससे ज्यादा अच्छा तब लगा जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस देश के अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जब हम अल्पसंख्यक समाज के विकास की और उत्थान की बात करते हैं, तो हमारा आशय ये होता है सर कि उनके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, रोजगार के अवसर उनको मिलें, कौशल विकास के क्षेत्र में जो मुसलमानों की परंपरागत मोनोपोली एक तरीके से रही है, उसमें वो और आगे बढ़े, आधुनिक तकनीक के साथ उनकी भाषा और संस्कृति का भी संरक्षण हो। ये सब बातें मिला करके हम मानते हैं कि किसी समुदाय का विकास होगा। लेकिन भारत सरकार की क्या नीति रहे, आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि अल्पसंख्यकों की घनघोर उपेक्षा ये सरकार कर रही है, मौजूदा सरकार। सर, एक कार्यक्रम है, बहुत मशहूर था वो एक जमाने में, उसका नाम है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। आज उस कार्यक्रम का कहीं जिक्र नहीं है, हालांकि वो इन प्रधानमंत्री का नहीं था जो आज है, वो पुराने वाले प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, और इन्होंने अभी उसे विड्रा भी नहीं किया है, उसे खत्म भी नहीं किया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा का प्रावधान है सर। 2014 के नवंबर में जब हम राज्यसभा के सदस्य बनकर के आए, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की तरफ से एक पत्र मिला हमें कि आप इतने जिलों में, 7 जिले हमें आवंटित किए गए थे, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी निगरानी समिति के सदस्य हैं। हालांकि वो 6 साल हमारे पूरे हो गए, एक भी मीटिंग किसी जिले में नहीं हुई, न किसी ने बुलाया। आज तो ये पता भी नहीं है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की जो समीक्षा का प्रावधान सरकार ने कर रखा था वो जारी है भी या नहीं है। और एक और बात बताऊं सर, मैं एक समिति है दिशा जो जिला स्तर पर काम करती है, और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा दिशा की बैठक में होती है, साल में एक या दो बार कम से कम वो दिशा की बैठक होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय उस दिशा की बैठक का आयोजन करता है, उसको संचालित करता है। उसके अंदर केंद्र सरकार की 41 योजनाएं दी गई हैं जिनकी समीक्षा होगी, और मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूं माननीय उपसभापति जी कि उसके अंदर अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित एक भी योजना नहीं है जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर दिशा की बैठक में होती हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि कम से कम आप अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन उनकी योजनाओं की समीक्षा के बारे में तो कुछ कदम उठाइए। सर, अभी जो बजट हुआ, अल्पसंख्यक मंत्रालय का पिछले वर्ष जो बजट था वो बजट था सदस्यगण प्लीज 5020 करोड़ रुपए। सर, इस बार जो बजट है, जो बजट पेपर पेश हुआ, जो बजट हमारे यहां पेश हुआ है, उसमें उसको मद को घटा करके 3097 कर दिया गया।
यानी 1923 करोड़ रुपए सीधे सीधे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में घटा दिए गए। किस किस मद में घटाएं सर? अल्पसंख्यकों में शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। जब हम कंप्यूटर और कुरान की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा का सशक्तिकरण होना चाहिए। पिछले बजट में जो पिछले वर्ष का था उसमें था 2515 करोड़ रुपए और इस वर्ष आवंटित हुआ है 1689 करोड़ रुपए, 826 रुपए सीधे सीधे खत्म कर दिए गए। जो कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको संचालित करने के लिए उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है सर। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कोचिंग देने के लिए जो पिछली बार बजट था वो था 79 करोड़ और इस बार 49 करोड़ घटा करके मात्र कर दिया गया है 30 करोड़। सर सर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 321 करोड़ घटा दी, 365 करोड़ से घटा करके 44 करोड़ पर ले आए हैं। और स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत होती है, कौशल विकास की बात मुसलमानों के लिए, और माना जाता है कि कौशल विकास पे एक तरीके से मुस्लिम दस्तकारों की एक मोनोपोली है और वो करते हैं। इसका बजट था पिछली बार 100 करोड़ रुपए और इस बार बजट डॉक्यूमेंट में लिखा गया है मात्र 10 लाख रुपए। मैडम 10 लाख रुपए में तो आप उस पूरे सामान को समेट भी नहीं पाएंगी। जहां 100 करोड़ खर्च होते थे स्किल डेवलपमेंट के लिए उसमें सिर्फ 10 लाख। मदरसा एजुकेशन सर, मदरसे का नाम सुनकर के हमारे कुछ साथियों के तन बदन में आग लग जाती है, जबकि मदरसे का मतलब ये होता है पाठशाला। पाठशाला हिंदी का शब्द है और मदरसा जो है उर्दू का शब्द है। उस पर खर्च हुए थे पिछले वर्ष जो आवंटित हुए थे 160 करोड़, वो घटा करके इस बार कर दिया गया है 10 करोड़। 55 महीने से मदरसों के आधुनिकरण का प्रोग्राम जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान शुरू हुआ था, 55 महीने से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है क्योंकि केंद्र ने अपना अंश नहीं दिया उसमें अंशदान, तो राज्य सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में अपना अंशदान नहीं दिया। 55 महीने से दर दर की ठोकरें वो खाते हुए घूम रहे हैं। सर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद, कि शिक्षा के क्षेत्र में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों को जो माइनॉरिटी के थे अल्पसंख्यक समुदाय के थे उन्हें मिलती थी, 8वीं क्लास तक के बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अचानक बंद कर दी गई और बजट आने से पहले बंद कर दी गई। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो हमारे रिसर्च करते हैं पीएचडी करते हैं हमारे बच्चे मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के, उसमें सिख भी हैं ईसाई भी हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप अभी 2 महीने पहले ही ऐलान हो गया, बजट आया भी नहीं था, उससे पहले ही बंद कर दी गई। सर दो संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया का तो जो करैक्टर है वो माइनॉरिटी करैक्टर कमीशन के द्वारा दिया गया है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो करैक्टर है वो कोर्ट में चैलेंज है। बहरहाल ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें लगभग 50% छात्र जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के, खास तौर से मुसलमानों की उसमें अधिकता है, वो पढ़ते हैं। पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बजट था, जो यूजीसी की ग्रांट थी, वो 68 करोड़ कम कर दी गई, 69 करोड़, 68.72। और अलीगढ़ का जो बजट था या जो अनुदान था वो 305.37 इतने करोड़ रुपए कम कर दिया गया। आज उन विश्वविद्यालयों की हालत ये हो रही है सर कि अगर वहां खिड़की भी टूट जाती है तो उसकी मरम्मत का पैसा नहीं है, चाय पानी तो छोड़िए जो दफ्तरों में होता है, ऐसी स्थिति है। और नारा कितना बड़ा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सरकार की ये पक्षपातपूर्ण नीति बंद होनी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अब्दुल वहाब साहब ने जो यहाँ पर संकल्प प्रस्तुत किया है उसका पूरा समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राकेश सिन्हा।